शालोम फ्रेंड्स, आइए इस समय में एक कलाम को मैं आप लोगों के बीच में लेके आना पसंद करूंगा। पुराना नियम में दूसरा राजा उसका पांचवा अध्याय 13 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर एक बार देख लीजिए, दूसरा राजा पांचवा अध्याय उसका 13 वचन। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। 13 वचन मेरे प्यारो, ये कहानी नामान का है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि नामान एक सेनापति, एक विजयशाली और ताकतवर नाम और शौहरत सब था, मगर उसके जिंदगी में एक कोड़ी का बीमारी उसको सता रहा था, जो उसे निराशा में, चिंताओं में डाला था। उसके घर में इज़राइल की एक लड़की रहती है, कहती है कि हमारे गांव में एक भविष्यद्वक्ता है, आप उधर जाओ और वो आपको चंगा कर देगा। तो उस समय में नामान जो है वो इज़राइल में आता है, जहाँ पे एलिशा रहता है। नामान आकर एलिशा के सामने खड़ा होता है, उस तंबू के बाहर या घर के बाहर। एलिशा एक बात कहता है, जाओ यर्दन के नदी में 7 बार डूबकर शुद्ध हो जाओ या चंगा हो जाओ। हम सब इस कहानी को भलीभांति जानते हैं कि नामान गुस्सा हो गया। याद रख लीजिए, जो नामान चंगा होने के लिए बहुत ही दूर से आया था, ठीक होने के लिए आया था, अच्छा होने के लिए आया था, मगर जब आया, एलिशा कहता है यर्दन के नदी में जाओ और 7 बार डूबो, तो नामान जो है वो गुस्सा हो जाता है। वो क्यों गुस्सा होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नामान ये सोचता है कि ये सेनापति है, नाम और शौहरत है, दूसरे राजा के इन्फ्लुएंस से वो इस देश में आता है। तो ये सोचा कि भविष्यद्वक्ता बाहर आएगा, अपना हाथ नामान के ऊपर रखेगा और ये चंगा हो जाएगा, मगर ये सब बातें हुआ नहीं। एलिशा जो है अंदर से ही कह देता है, जाओ 7 बार डूबो, तुम चंगे हो जाओगे। उस बात के वजह से जो है नामान गुस्सा हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारो, मगर उसके साथ नामान के पास जो है एक सेवक रहता है, उसकी बातों के ऊपर आज हमें गौर करना बहुत ही जरूरी है। वो आकर कहता है, अगर भविष्यद्वक्ता तुझे एक बड़ा सा काम बोलता, क्या आप ना करते? तो ये तो छोटा है, आप इससे भी ज्यादा करना चाहिए। वो बातों के ऊपर अगर हम लोग जब मनन करेंगे, तब नामान जाता है 7 बार यर्दन के नदी में डूबता है और वो चंगा हो जाता है। हालेलुया, वो चंगा हो जाता है, नामान चंगा हो जाता है। इसमें हमें क्या सीखने मिलेगा मेरे प्यारो? 7 बार जब वो डूबा, तब वो जाकर वो ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पहली बार डूबकर उठता है, ठीक नहीं हुआ। तीसरी बार डूबकर उठता है, फिर भी ठीक नहीं हुआ। चौथा बार, पांचवा बार, छठा बार, फिर भी ठीक नहीं, मगर आखिरी तक वो डूबता ही गया। 7वां बार वो जो था वो चंगा हो गया। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये पूरे कहानी में आखिरी तक जो है आप परिश्रम करें, आखिरी तक जो है परमेश्वर के बातों को माने, आखिरी तक जो है परमेश्वर के बातों को विधेयता दिखाए, आखिरी तक जो है परमेश्वर के बातों के ऊपर विश्वास करे, आखिरी तक यानी लास्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, लास्ट पॉइंट ऑफ द वर्क, आखिरी पल तक मेरे प्यारो आप विश्वास में बने रहे, आखिरी पल तक परमेश्वर के बातों को सुने, आखिरी पल तक परमेश्वर के बातों के ऊपर भरोसा करें, आखिरी पल तक आप परमेश्वर का काम करते रहे। पहली बार डूबा, कुछ चमत्कार नहीं हुआ, कुछ चंगाई नहीं हुआ, इसके वजह से नामान रुका नहीं। दूसरी बार डूबा, ठीक नहीं हुआ, इसके वजह से नामान फिर गुस्सा नहीं हुआ। आज हमारे जीवनों में कई बार अगर जल्दी से चमत्कार नहीं होता है तो हम लोग रुक जाते हैं, जल्दी से चंगाई नहीं होती है तो हम लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, जल्दी से आशीष हमारे जिंदगी में नहीं आता है तो हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं।
मगर मेरे प्यारो, नामान 7 बार डूबने के लिए बोला, पहली बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, आखिरी में जब डूब कर उठा वो चंगा हो गया। आपके जिंदगी में भी आखिरी तक प्रार्थना में लगे रहना, आखिरी तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, आखिरी तक, कब तक, जब तक आपका आशीष आपको मिलेगा नहीं, कब तक भरोसा करके प्रार्थना में लगे रहना, तब तक भरोसा करके विश्वास करना, तब तक प्रभु में बने रहना जब तक आपका प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा नहीं, आपकी चंगाई आपको मिलेगा नहीं, आप जिसके बारे में आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब तक वो आपके पास आएगा नहीं, तब तक प्रभु में डूबते ही रहना, प्रभु में बने रहना, प्रभु में रहना। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें, आखिरी तक प्रभु में बने रहना, आपका प्रार्थना का जवाब आपको मिलने के लिए जा रहा है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।